सोवेल एपिसोड की शुरुआत में सिहो कहती है कि मुझे पता है कि तुम असानागी को पसंद करती हो, और आकी कहती है ऑफकोर्स क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सिहो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, और अपनी आकी कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सिहो कहती है तुमने फिर से मेरे सवाल को डॉज कर दिया। खैर तुमने वैसे आज हमारा परफॉर्मेंस देखा था ना, और तुमने देखा होगा कि यूरी असानागी का मुझसे कोई भी मैच नहीं है, टेक्निकली भी और सिंगिंग स्किल में भी। की कहती है तुमने उस दिन यूरी को लैसिंग किया था ना, वैसे भी मैं चीज़ों को ऐसे नहीं देखती हूँ, चीज़ ये है कि मुझे उसकी सिंगिंग पसंद है। यो कहती है हाँ सही है, और इसी वजह से तुम्हारा बैंड बीच में ही रह गया है। की कहती है मुझे पता है कि हमारा बैंड बेस्ट है, और सिहो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, और आके कहती है कि तुमने देखा ना हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हमें इस कॉन्सर्ट में एक स्लॉट मिल जाएगा। और इतना सुनते ही सिहो गुस्सा हो जाती है और इसके गिरेवान को पकड़ लेती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे छोड़कर कहती है भूल जाओ उसके बारे में, एंड मैं प्रे करूँगी कि तुम्हारे ग्रुप को यहाँ पर कटआउट मिल जाए, मतलब कि वो पास हो जाए। तो इसके बाद आकी अपने घर पर होती है, एंड वो कहती है कि मैं उसके साथ अगर एक फ्रेंड के तौर पर रहना चाहती हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉर्मल एक्ट करना चाहिए, आखिर मेरे साथ क्या गलत है, अगर फ्रेंड की बात है तो मैंने ऑलरेडी एक फ्रेंड को खो दिया है, और आखिर मैंने क्या किया है गलत, और फिर यहाँ पर बैठ जाती है। सो इसके बाद स्कूल के सीन में हम देखते हैं कि अपनी आकी बताती है कि ये लोग पास हो गए हैं और इन्हें एक स्लॉट मिल गया है, और माचान कहती है वैसे इज़ुमी को भी तो मिल गया है ना, वो भी पास हो गई है। की कहती है उनके परफॉर्मेंस के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है, वैसे हम लोग एंड वो लोग थोड़ा बहुत होल्ड बैक तो कर रहे हैं। अभी काओरी कुछ कहने चाहती है मगर आकी इसे चुप करा देती है चिल्ला के। फिर योरी कहती है तुम्हें पता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम लोगों के साथ प्ले करके अपने आप से खुद फन करती थी। आकी कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा कि वो हमारे साथ प्ले नहीं कर सकती है, उसने खुद कहा था कि वो हमारे साथ थक गई है एंड वो छोड़ना चाहती है। उस टाइम मुझे भी लगता था कि वो भी इंजॉय कर रही है बिना अपनी फेक साइट दिखाए। फिर योरी कहती है मिज़ुकुची क्या सच में तुम ऐसा ही मानती हो, और अपनी आगे कहती है बिल्कुल भी नहीं, और फिर माचान कहती है अच्छा तो तुम ऐसे सजेस्ट करना चाहती हो कि वो बारे में झूठ बोल रही थी कि वो कैसा फील करती है। फिर आके कहती है काओरी वैसे तुम भी तो उससे बात करा करती थी ना, एंड काओरी कहती है सॉरी लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो हमेशा शांत क्यों रहती है, एंड बस मैं उसके सब्जेक्ट को दूर करने का ट्राई करती रहती थी, और आके कहती है मैं भी सेम करती थी। काफ़ी वक्त पहले जब सिहो ने मुझसे कहा था तब सारी चीज़ें मुझे हर्ट करती थी, मगर मैंने कभी भी उसे कम्फर्ट देने का ट्राई नहीं किया। चान कहती है शायद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, और आकी कहती है हाँ अब मैं उससे बात करूँगी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट सीन में अपनी आकी इस सिहो से मिलती है और कहती है कि तुमने हमारे बैंड को क्यों छोड़ा था, और सिहो कहती है मैं काफ़ी टाइम से उसे छोड़ना चाहती थी और यही चीज़ थी। की कहती है मुझे पता था कि ऐसे तो कुछ भी सामने नहीं आएगा, अगर हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ हॉनेस्ट रहे तब शायद हम कुछ कर सकते हैं और कोई पॉइंट निकाल सकते हैं। सिहो कहती है कि भला मैं ऐसे पर्सन से क्यों बात करूं जिसकी दो हैबिट है, मतलब कि बैंड वाली, एंड मैंने वैसे ही तुम्हारे बैंड को बुरी आदत की तरह छोड़ दिया है। फिर आकी कहती है कि तुमने ऐसा ही किया है सिहो, तुमने हमेशा SS को रेंज करने का चांस हासिल किया है, क्यों, और सिहो कहती है क्योंकि यही सच है। फिर आके कहती है अगर क्या होगा जब हमने ये प्रूव कर दिया कि हम तुमसे बेटर है थेन तब तुम क्या कहोगी, और ये कहती है मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं कहूँगी कि SS गर्ल्स ग्रुप मेरे वाले ग्रुप से बेस्ट है। की कहती है देखना
हमारे ग्रुप को तुमसे ज़्यादा वोट मिलेंगे कल्चरल फेस्टिवल में, लुरियल से भी ज़्यादा वोट हमें ही मिलेंगे। तुम मुझसे यही सुनना चाहती थी ना, अब हम प्रूफ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। इसके बाद हम योरी और अपनी हिमारी को देखते हैं। यहाँ पर हिमारी ने इसके लिए कुछ बनाया होता है, वो भी इसे कांग्रेस करने के लिए, क्योंकि ये पास हो गए होते हैं ऑडिशन में। और फिर हिमारी कहती है कि अभी भी मुझे तुम्हें कुछ कांग्रेस करना है, और योरी कहती है क्या, और फिर हिमारी अपने पैरों से थोड़ी ऊपर होती है और इसके सर पर पैट करती है और कहती है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया ऑडिशन में, गुड जॉब। योरी कहती है ये क्या था, और हिमारी कहती है कि तुम जब भी मुझे पैट करती हो सर पे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सो मैं भी ट्राई करना चाहती थी और आज मुझे मौका मिल गया। और योरी कुछ नहीं बोल पाती है ज़्यादा। फिर हिमारी कहती है कोई बात नहीं, अगली बार जब हम दोनों अकेले होंगे तब मैं तुम्हारे सर पर पैट करूँगी। फिर योरी कहती है मुझे ऐसा कोई कंटेंट मिलेगा तो मैं खुद करूँगी, और आपकी और मेरी तरह हिमारी को भी कुछ समझ नहीं आता है। ये दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं, और हिमारी कहती है कि मुझे वो सॉन्ग काफ़ी पसंद आया, और अपनी योरी कहती है कि मैं शो को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी हार्ड ट्राई करूँगी, लेकिन, और हिमारी कहती है क्या लेकिन, योरी कहती है कि चीज़ें थोड़ी मैसी हो गई है, वैसे तुम्हें न्यू ईयर स्टूडेंट वाला इवेंट तो याद होगा जहाँ पर कुछ हुआ था, एंड वहाँ पर जो मुझसे पहले वोकलिस्ट एंड गिटारिस्ट थी मेरे बैंड में, वो भी अब किसी और बैंड में प्ले कर रही है, और हम लोग एंड में जाकर उनके साथ शोडाउन करने वाले हैं। और हिमारी कहती है वाव, तुम लोग भी यही करने वाले हो, जो मेरे कुकिंग क्लब में एक मेंबर है सेनपाई, वो भी अपने ऐसे ही एंड में शोडाउन करने वाली है, एंड वो अपने ग्रुप को लुरियल कहते हैं, अपने पुराने बैंड मास्टर के साथ कंपटीशन भी करना चाहती है। देखना ये शोडाउन कितना पॉपुलर होगा। वेट क्या, और योरी कहती है हाँ वो लोग हम ही हैं। सो इसके बाद अपनी योरी कहती है कि मिज़ुगुची के साथ उस बैंड की वोकलिस्ट का कुछ हिस्ट्री का है ऐसा वैसा। हिमारी कहती है तुम्हारा मतलब कि सिहो सेनपाई, और योरी कहती है तुम उसे जानती हो, मैंने हमारे साथ कुछ टर्म कंडीशन भी रखी है जिसमें उसे एसएस को छोड़कर लुरियल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सॉरी मैंने तुम्हें इस चीज़ों के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएंगी। मारी कहती है कुछ भी सीक्रेट मत रखो, याद है ना हम दोनों डेट कर रहे हैं, और योरी कहती है हाँ, और फिर हिमारी कहती है अब मुझे बताओ कि तुम्हारा एंड का शो डाउन कब होने वाला है। कहती है हमारी मिज़ुगुची वहाँ पर बात करने गई है, एंड जब वो लौटेगी तब हमें कंपटीशन की कंडीशन ज़रूर बताएगी। उसने कहा है कि वो लोग जीत गए तो फिर वो इज़ुमी से सच निकलवा के ही रहेंगे। मुझे मिज़ुगुची के लिए हार्ड वर्क करना है एंड उसे जितवाना है, तो मुझे चीयर अप करोगी? और हिमारी कहती है बिल्कुल ज़रूर से करूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि लुरियल भी हारे। ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब है, तुम मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी हो, लेकिन योरी कहती है तुम चाहती हो कि उनके लिए ये रोड बने, और हिमारी कहती है वैसा ही कुछ। एंड तभी योरी इसके पास आती है और कहती है तुम्हारी ये चीज़ें मुझे जेलसी फील करवा रही है। हिमारी कहती है सॉरी, और फिर योरी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे तुम्हारी ये सारी चीज़ें। और हिमारी कहती है क्या, और योरी कहती है मुझे ग्रेट फील करवाती है। और हिमारी कहती है मतलब कि जो मेरे अंदर सारी चीज़ें हैं वो, इनसे तुम्हें प्यार है। तो इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मिकी कहती है कि क्या अपनी हिमारी उसके साथ शॉपिंग पर आएगी इस संडे को अगर वो फ्री है तो, और हिमारी कहती है कि ज़रूर से आएगी। एंड फिर मिकी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट में अगर तुमसे असानागी कहे कि मेरे साथ चलो तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? और हिमारी कहती है मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। फिर मिकी कहती है वैसे तुम्हारी लवी डवी लाइफ कैसी चल रही है? और हिमारी कहती है ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ भारी सा लग रहा है और सोच आ रहा है ऐसा। और मिकी कहती है क्या तुम्हें ऐसा सोच आ रहा है कि असाना की तुम्हें छोड़ देगी? हिमारी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, करेंटली कहूँ तो सिहो सेनपाई, योरी सेनपाई और आकी सेनपाई से नफरत करती है।
की कहती है, मुझे पता है और मैंने सुना है कि ब्रेकअप के बाद काफ़ी हर्ट होता है। और अपनी हिमारी कहती है, वैसे क्या आके सेनपाई और शिहो सेनपाई के बीच कोई रिलेशनशिप थी पहले? कहती है, वो दोनों काफ़ी क्लोज थी और वो हमेशा साथ रहती थी, साथ में मेरी सिस्टर उसे अपनी बेस्टी बुलाती थी। हिमारी थोड़ा सोच के कहती है कि मैं यूरी सेनपाई, आकी सेनपाई और शिहो सेनपाई को फिर से फ्रेंड बनता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी प्यार करती हूँ, मेरी हेल्प करोगी? और मेकी शौक हो जाती है। हिमारी कहती है, अगर ऐसा होता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एंड फाइनली मिकी कहती है कि ठीक है, कि मैं भी चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से साथ में आए। और अपनी हिमारी फिर से इसके ऊपर चढ़ जाती है और मिकी चिल्लाती है। वेल, संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों शॉपिंग करके आ रही होती है और हिमारी कहती है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी घर पे? और ये कहती है कि उसे क्रेम स्कूल जाना है। तो हिमारी कहती है कि वो वेट करेगी, मगर ये कहती है कि मुझे 2 घंटे लग सकते हैं, क्या तुम श्योर हो? फिर हिमारी कहती है कि तुम मेरे साथ घर तो आना चाहती हो ना, तो फिर मैं कहीं पर अपना थोड़ा सा टाइम पास कर लूँगी। और मिकी कहती है, ठीक है तो फिर 7 बजे टिकट लेके आ जाना, हम वहीं पर मिलेंगे। से चली जाती है, जिसके बाद अपनी हिमारी किसी कैफे जैसी जगह में होती है और वहाँ पर कुछ ऑर्डर लेने एक लड़की आती है और कई लोग पहचान गए होंगे। हाँ, ये होती है शिहो। शिहो भी ब्रेक लेके इसके पास बैठती है एंड वह कहती है कि इसके बारे में किसी को भी स्कूल में मत बताना, मैंने छुपा के रखा है, यहाँ तक इजुमी एंड मोमो का को भी मत बताना। और हिमारी कहती है, ठीक है, ये हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। फिर अपनी शिहो बताती है कि उसे यहाँ पर जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसे इंस्ट्रूमेंटल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है एंड ख़रीदनी होती है, सो इसी वजह से वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। उसे स्टूडियो में भी प्रैक्टिस तो करना ही होता है, वो प्रो बनना चाहती है। फिर हिमारी कहती है, क्या तुम हमेशा से ही ऐसे प्रो बनना चाहती थी? और ये कहती है, इतना ही नहीं है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है। हिमारी अपनी मन में कहती है कि शिहो सेनपाई कभी भी अपने बारे में बात नहीं करती है। और शिहो कहती है, ये क्या था हिमा? और हिमारी कहती है, क्या मैंने ज़ोर से बोल दिया? और ये कहती है कि हाँ। फिर शिहो कहती है कि मैं कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, वैसे भी कोई लोग नहीं होते हैं जिनको दूसरों के बारे में जानने में इंटरेस्ट होता है एंड वो केयर करते हैं, लिए मैं लोगों से उनके बारे में पूछती नहीं हूँ एंड अपने बारे में भी कुछ नहीं बताती हूँ। हिमारी कहती है, आई केयर, और मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा सेनपाई, एंड मुझे जानना है कि तुम कैसे प्रो बनना चाहती हो एंड क्यों। अब शिहो के पास थोड़ा टाइम होता है, मतलब कि ब्रेक का, तो वो अपनी स्टोरी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तब उसे वायलिन बजाना काफ़ी पसंद था एंड वो भी परफॉर्मेंस देकर काफ़ी अच्छा करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके आगे बढ़े। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है बचपन के, जहाँ पर एक लड़की कुछ खोज रही होती है और छोटी सी हो इसके पास आती है और पूछती है कि क्या खोज रही है। तब यहाँ पर ये लड़की कहती है कि वो कुछ एनिमल जैसा स्टफ़ खोज रही है, क्या वो हेल्प करेगी? पहले तो सीहो मना करती है, मगर इसका फेस देखकर वो कहती है कि मेरे पास टाइम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिसके बाद ये देखती है कि इसका स्टफ़ पेड़ पर होता है, सो ये उसे लाकर देती है। के बाद ये लड़की अपना नाम क्यों बताती है एंड वो भी वायलिन बजाती है, ये चीज़ उसे बताती है। एंड वो अपने डैड के साथ अभी यहाँ पर काम से आई है, अभी तो कंपटीशन नहीं कर सकती है, लेकिन वो वेन्यू को ज़रूर से देखना चाहेगी। इसके बाद ये इसे गुड बाय करती है एंड गुड लक भी करती है इसके कंपटीशन के लिए। सो इसके बाद थोड़ा टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर शिहो अपने नए स्कूल में जाती है और यहाँ पर इसे क्यों मिलती है और ये दोनों बातें करती है, जहाँ पर अपनी ये कहती है कि तुम्हारा जो कंपटीशन का वो था कॉन्सर्ट का, वो काफ़ी अच्छा था और इसने काफ़ी अच्छा बचाया था। बताती है कि वो इस दुनिया में सबसे अच्छा वायलिन बजाने वाली बनना चाहती है। के बाद दिखाया जाता है कि इनका नया परफॉर्मेंस होता है, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रही होती है और शिहो को पता चलता है कि क्यों को तो गिटार बजाना पसंद है, मगर उसके डैड ने इसे वायलिन थमा दिया। वायलिन बजाना पसंद है लेकिन उसे इलेक्ट्रिकल गिटार काफ़ी कूल लगता है। वो कहती है, तो
तो फिर तुम्हें उस पर गिव अप करके अपनी लाइफ को वायलिन को ही डेडिकेट कर देना चाहिए। कहती है तुम काफ़ी मेरे कलर्स हो शिहो, और शिहो कहती है अगर तुम सीरियस नहीं हुई तो तुम मुझे बेट नहीं कर सकती हो, मगर इसके बाद जो ये क्यों होती है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है कि जिसे देखकर अपने शिहो की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो कहती है कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस वायलिन में बेस्ट थी मैं इतनी भी बेस्ट नहीं हूँ। तो परफॉर्मेंस के बाद शिहो जा रही होती है और क्यों इसे रोकती है। तब शिहो कहती है कि तुम बस मेरी परफॉर्मेंस पे हंसने आई हो क्योंकि तुम जानती हो कि मैंने कैसा बेकार परफॉर्म किया है। ये कहती है ऐसा नहीं है, तुमने अच्छा किया था। शिहो इसकी बात नहीं सुनती है और जाने लगती है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि उसके बाद मैंने कभी भी उससे बात नहीं करी और फिर मैंने काफ़ी हार्ड ट्राई किया लेकिन मैं कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाई। और आखिर में ये अपना वायलिन तोड़ देती है और कहती है उसके बाद मैंने वायलिन बजाना बंद कर दिया क्योंकि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती हूँ। इसके बाद हमें थोड़ा और टाइम स्किप दिखाया जाता है जहां पर ये किसी शॉप में जाती है जिस शॉप को हमने पहले के एपिसोड में देखा है। यहाँ पर शिहो कहती है कि मैंने उस दिन से वायलिन बजाना बंद कर दिया लेकिन मुझे कुछ तो करना था सो और मैं अपनी लाइफ को एम्प्टी एंड म्यूजिकलेस नहीं जी सकती हूँ। एंड फिर ये म्यूज़िक का कोई सी नोट लेती है जिसमें ये लेसन ले सकती है और अचानक से ये रोने लगती है। जो ये लेसन बुक होती है वो कि वायलिन की होती है और ये इसे नहीं खरीदती है और जाने लगती है। तभी अचानक उसे कायो की याद आती है एंड वो रुक जाती है और वो कहती है उस बार मेरे दिमाग में कुछ आया। वो कहती है उसके हारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी लाइफ एंड हो गई हो एंड उसके कई सारे टुकड़े हो गए हैं। अब कुछ करते हैं और इसके सामने गिटार की चीज़ें होती है, मतलब कई सारे गिटार होते हैं। एंड वो कहती है जिस चीज़ को उसने छोड़ दिया मुझे बताना है उसे और इस चीज़ को राइज करना है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।